हेलो जेमिनाई, सन मून राइजिंग, जैसे भी आप अपना जोडियक साइन फॉलो करते हैं, अगर जेमिनाई आपके साथ में रेजोनेट करता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। जुलाई 2021 के महीने के लिए जेमिनाई वालों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। ओवरऑल जेमिनाई की एनर्जी क्या रहेगी जुलाई 2021 में। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनाई किसी चीज की बहुत जल्दी है, आपको किसी चीज के बदलने का इंतजार कर रहे हो आप। सेवन ऑफ कप्स, किसी चीज को लेके ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके सामने, एक या एक से ज्यादा दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं इनफैक्ट। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने और आप कंफ्यूज हो रहे हो किस रास्ते पे जाऊं, क्या चूज करूं। पुराना जो पीछे रह गया है, पास्ट में जो पीछे छूट गया है, वो चीज भी अभी तक आपको कहीं ना कहीं डीपली आपको परेशान कर रही है, या आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो कब मैं इस लॉस से या इस एनर्जी से कम्प्लीटली ओवरकम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कब मैं कम्प्लीटली स्टेबिलिटी जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ में सोचता हूँ या सोचती हूँ वो कब मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी और कितना समय लगेगा। आप वेट कर रहे हो और आपसे आपका पेशेंस लेवल जो है वो इस टाइम पे मैं देख रही हूँ जुलाई के मंथ में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। जेमिनाई, ये जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, भले ही आपकी लव लाइफ से जुड़े हैं या आपके करियर से जुड़े हैं, हो सकता है कि इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है मटीरियलिस्टिक लेवल पे। ठीक है, मटीरियलिस्टिक लेवल पे कोई चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आप इस टाइम पे जिस जॉब में हो, आप एक दूसरे काम के बारे में सोच रहे हो कि भाई इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा अभी के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ज्यादा मेरी सैलरी हो सकती है या मेरा नाम ज्यादा हो सकता है, मैं बहुत कुछ ज्यादा कुछ गेन कर सकता हूँ, या रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो कि कौन सा इंसान जो है वो ज्यादा मुझे मटीरियलिस्टिकली ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आपका माइंड रहता है तो आप फ्यूचर में अपने आप को स्टक पा सकते हो। ठीक है, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, हर चीज की सच्चाई जो है वो कुछ समय के बाद में ही समझ में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गाइडिंग मैसेज जेमिनाई जुलाई 2021 के लिए आपके लिए जो आया है वो ये है कि अगर आप इस टाइम पे कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज मत लीजिएगा, अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो, राइट, बिकॉज आप अभी बिल्कुल स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, आप कंप्लीटली पास्ट से कुछ लेट गो नहीं कर पाए हैं, तो कुछ पुरानी नेगेटिविटीज है पास्ट की जिनमें कि आपको काम करने की जरूरत है। टू लेट गो द पास्ट नेगेटिविटीज, पुरानी पेनफुल मेमोरीज हैं या किसी का कुछ लॉस है, कुछ लॉस आपने फेस किया है, कोशिश कीजिए कि आप उस चीज से आगे बढ़ सकें। फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है, अभी भी जितने ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उससे और ज्यादा और बेहतर और अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने के बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाए रखने की जरूरत है। पेशेंस की कमी जो है वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जेमिनाई के लिए। दूसरा, किसी के साथ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, किसी तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं ये, इनकी एज जो है वो 35 अबव हो सकती है, राइट। अगर आप खुद मेल हैं, आपकी खुद की एज 35 प्लस है, तो आप ये इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन किसी के साथ में कर सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है या एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जो कि आपके आगे की कई महीनों को या कई सालों को ये जो कन्वर्सेशन है ये अफेक्ट कर सकता है, राइट। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ मुझे आपकी यहाँ पे नॉर्मल नजर आ रही है, बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, राइट, तो वो ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज अगर है आपको तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप वर्कआउट वगैरह करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जस्ट लाइक अदर साइंस, दूसरे साइंस के लिए भी यही कार्ड जो था इस तरीके की एनर्जी निकल के आई थी। और बेसिक प्रिकॉशंस जो है वो कोविड के चलते वो तो आपको लेने ही है, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अभी आप शायद कहीं ट्रैवल का प्लान बना सकते हो इस महीने, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हो अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। आगे का कुछ प्लान आप बना सकते हो कि इस महीने में हमको यहाँ जाना है या इस टाइम पे हमको यहाँ ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल इज कमिंग अप फॉर यू। कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं कई लोग, कई जेमिनाइज के लिए मैं देख रही हूँ कि आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री में जॉब लगने का या फिर किसी दूसरी कंट्री में स्टडीज करने के लिए जाने का इंतजार कर रहे थे, तो वहां से एक्सेप्टेंस जो है वो आपको आ सकती है। रिकॉग्निशन आपको किसी काम में बहुत अच्छा मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है किसी चीज से जुड़ा हुआ, राइट। बट ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप अभी फिलहाल उसे एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट के लॉसेस के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे कि पास्ट में आपने क्या खोया है, तो आप जो है अपना फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर लोगे, फ्यूचर में भी आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। सो आपको अपना सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो कुछ भी आपको अभी ऑप्शंस मिल रहे हैं, देखिए कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा बेटर हो सकता है और पूरे फेथ के साथ आप उस पाथ को फॉलो कीजिए। आपके लिए जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, राइट। प्रोबेबली जेमिनाई आप में से कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे किसी तरीके के इमोशनल मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ये टाइम आपका जो है वो खत्म होने वाला है, किनारा जो है वो नजदीक है, तो ये जर्नी जो आपकी रही है फाइनली अब आपको अपनी मंजिल मिलने वाली है। ओके, यस जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए और क्या एडिशनल मैसेजेस हैं जुलाई 2021 के महीने में। जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं? टोटैलिटी का कार्ड आपका आया है नंबर 5, फ्लावरिंग, वेरी नाइस। आपकी हीलिंग होने वाली है गाइज, 5 ऑफ कप्स के साथ में फ्लावरिंग का कार्ड आया है, दैट मींस आपकी हीलिंग होने वाली है। आपका खुद का ही डिवाइन फेमिनिन सेल्फ, आपका फेमिनिन सेल्फ आपको हील करने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आपका कार्ड आया है ट्रस्ट का। मैं आपसे कह रही हूं कि आपको फेथ रखना है, आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते रहिए, भले ही कुछ भी हो जाए आपको अपनी इंडिविजुअल जर्नी में रुकना नहीं है। लेटिंग गो का कार्ड आया है आपका जेमिनाई, आई वाज टेलिंग यू पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको लेट गो कीजिए। पास में जो कुछ भी नेगेटिविटी आपने फेस करी है, ठीक है, देखिए आपने उससे क्या सीखा है और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि अब आप उस लेवल से राइज कर चुके हैं, उस लेवल से अब आप एक ऊंची उड़ान भरने वाले हैं और उस तरीके की प्रॉब्लम्स अब आपको आगे नहीं मिलेंगी। ग्रेट, मास्टर कार्ड इज हियर, सो गॉड इज विद यू, योर गुरु इज विद यू। आप जिस भी सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हैं, क्रिएटर में विश्वास रखते हैं, वो पावर, वो एक अल्टीमेट डिवाइन पावर जो है, उनकी ब्लेसिंग्स जेमिनाई जुलाई के मंथ में आपके साथ में है। अगर आप खुद हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, अगर आप खुद डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप यू नो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, या इवन अगर आप ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, अगर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं, जेमिनाई आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से इवॉल्व होने वाली हैं, बहुत अच्छे से आप बहुत कुछ गेन करने वाले, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट यही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको पुरानी चीज़ें जो कि आपको यू नो हुक की तरह आपको पीछे खींच रही हैं, उनसे आपको अपना पीछा छुड़ाना होगा। अपने थॉट्स पे आपको खुद ही कंट्रोल लेके आना है। जो कुछ भी हम सोचते हैं गाइज, हमारे जो थॉट्स हैं, अगर हम कुछ अच्छी बात सोचते हैं तो हमको खुशी फील होती है, राइट। अगर हम कुछ बुरा सोचते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने थॉट्स के थ्रू अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आपको बुरा लग रहा है, गुस्सा हो रहा है, तुरंत आप अपने थॉट्स को स्विच कीजिए, तुरंत अपने थॉट्स को बदलिए, ठीक है। अगर आपका जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, या कुछ भी नेगेटिव इवेंट हो जाता है लाइफ में तो आप और सैड म्यूजिक सुनने लगेंगे, और सैड चीजों की तरफ आपका झुकाव बढ़ने लगेगा, आपके इमोशंस और ज्यादा सैड 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 होते चले जाएंगे। इस टाइम पे जरूरत है कि आप पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। और आपको सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके
पार्टनर हो सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ तीन लोग हैं, देर आर थ्री पीपल। आप शायद या तो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज, एक तो आप हैं, आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, या आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि कोई मैरिज का कोई प्रपोजल है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, या जॉब को लेके आपके सामने दो ऑप्शंस है उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, और आपकी कंफ्यूजन जो है वो आ रही है आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। तो आपको उस एक्सपीरियंस को लेट गो करना होगा, बिकॉज हमेशा चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। आप उस चीज से लेसन सीखिए, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो आप उससे अपना लेसन सीखिए एंड यू मूव अहेड, आप आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि एक बार एक चीज गलत हो गई है या खराब हो गई है तो आगे भी वैसा ही होगा। लर्न टू सरेंडर, सरेंडर करना सीखिए, और अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जेमिनाई, इस महीने जुलाई के महीने में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, जो कि हमारी नाभि से 2 से 3 उंगली ऊपर होता है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करना है, अपनी फायर को आपको क्रिएट करना है, एनर्जाइज करना है। इसी के साथ में अगर आप काम करें इस टाइम पे अपने क्राउन चक्रा में, जो कि हमारे हेड के ऊपर होता है, बिल्कुल हेड के ऊपर होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, अगर आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करते हैं तो आप जिस भी सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हैं उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और जब मैं कहती हूँ कि आप आपको अपने चक्रास पे काम करना है, गाइज, आप सिंपली चक्रा मेडिटेशन जो है वो कर सकते हैं, राइट। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि आपको चक्रा मेडिटेशन मिल जाएगा। तो जो चक्रास में यहाँ पे अगर आपकी राशि के अकॉर्डिंगली आपको मेंशन कर रही हूँ तो वो मेडिटेशन आप सुन सकते हैं। आप 10 मिनट के लिए सुन लीजिए, 21 मिनट के लिए अगर आप सुनते हैं, 21 मिनट्स के लिए अगर आप सुनते हैं तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड जुलाई के मंथ में सुन लीजिए, वैसे मैक्सिमम या मिनिमम कह लीजिए 40 डेज तक अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट जो है वो एक अलग ही लेवल पे आपको दिखाई देगा, राइट। Gemini, this is the reading for you. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, राइट। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, माई नंबर इज अवेलेबल ऑन स्क्रीन। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।